बच्चों, आज मैं इस वीडियो से आरओ के गद्य भाग का एक नया पाठ, एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है जामुन का पेड़, जिसके लेखक हैं कृष्णचंद्र। सबसे पहले मैं लेखक परिचय दूंगा और लेखक परिचय के पश्चात पाठ की संक्षिप्त कहानी बताऊंगा। कृष्णचंद्र जो कि इस पाठ के रचयिता हैं, जिसका नाम है जामुन का पेड़, इनका जन्म पंजाब के गुजरा कला जिले के वजीराबाद गांव में 1914 में हुआ था। इनकी प्राथमिक शिक्षा जम्मू कश्मीर के पुंछ क्षेत्र में हुई। 1930 में वे उच्च शिक्षा के लिए लाहौर आ गए तथा फारमेन क्रिश्चियन कॉलेज में प्रवेश लिया। 1934 ईस्वी में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए की परीक्षा पास की। इसके बाद ये फिल्म जगत से जुड़ गए और अंत तक ये मुंबई में ही रहे। इन्हें साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। इनका निधन 1977 में हुआ है। जो इनकी रचनाएं हैं वो मुख्य रूप से कहानी संग्रह और उपन्यास हैं। कहानी संग्रह के अंतर्गत इनकी रचना है एक गिरजा एक खंदक। एक गिरजा एक खंदक रचना का नाम है। दूसरी कहानी संग्रह का नाम है यूकेलिप्टस की डाली। ये दो कहानी संग्रह इनके हैं और उपन्यास इनके हैं शिकस्त, जरगांव की रानी, सड़क वापस जाती है, आसमान रोशन है, एक गधे की आत्मकथा, अन्नदाता, हम वहशी हैं, जब खेत जागे, 52 पत्ते, एक वायलिन समंदर के किनारे, कागज की नाव, मेरी यादों के किनारे। अर्थात इन्होंने ढेर सारे औपन्यासिक साहित्यिक कृतियों की रचना की है। जो इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं उसके अंतर्गत प्रेमचंद के बाद जिन कहानीकारों ने कहानी विधा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया उनमें कृष्णचंद्र का नाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इनका प्रगतशील लेखक संघ से गहरा जुड़ाव था, गहरा संबंध था। इस विचारधारा का असर इनके साहित्यिक यात्रा पर भी पड़ता है, इनकी कहानियों पर भी पड़ता है। ये उन लेखकों में से हैं जिन्होंने लेखन को रोजी रोटी का सहारा बनाया। अर्थात चूंकि ये फिल्म जगत से जुड़े थे तो इनकी आर्थिक समृद्धि का जो राज था वो साहित्यिक लेखन था। कृष्णचंद्र ने उपन्यास, नाटक, रिपोर्टाज और लेख काफी मात्रा में लिखे हैं, लेकिन इनकी पहचान एक कहानीकार के रूप में ज्यादा हुई है। महालक्ष्मी का पुल, आईने के सामने इनकी मशहूर कहानियां हैं। उनकी लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण एक अपना अलग मुकाम बनाते हैं। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य की अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुत चर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। जहां तक जो पाठ आप पढ़ने जा रहे हैं, जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्य व्यंग कथा है। हास्य व्यंग के लिए चीजों का अनुपात से ज्यादा फैला और फुलाकर दिखाने की परिपाटी है, मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की परंपरा हास्य व्यंग के अंतर्गत रही है। यह कहानी भी उसी को फॉलो करती है, उसी का अनुपालन करती है। इसलिए यहां घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण है और अविश्वसनीय जान पड़े तो कोई हैरत की बात नहीं। ये हास्य व्यंग पैदा करने के लिए ऐसा किया गया है।
विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर इस बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालयी तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक है और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रहती। इस व्यवस्था के संवेदन शून्य एवं अमानवीय होने का पक्ष भी हमारे सामने इस कहानी के माध्यम से आता है। जो आपका ये जामुन का पेड़ जो कहानी है, अब मैं समझता हूं कि इसकी एक संक्षिप्त कहानी, एक संक्षिप्त पटकथा आपके सामने बता दी जाए, ताकि आपको इस कहानी की जो रूपरेखा है ये संक्षिप्त रूप से पता हो जाए। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्यभंग कथा है और इस कथा के माध्यम से उन्होंने कार्यालयों में होने वाले उस परिपाटी को, उस परंपरा को बड़े ही यथार्थ तरीके से दिखाने का प्रयास किया है जिसमें संवेदनशीलता नाम की कोई चीज नहीं होती। जहां पर कागजों की लिखी इबारत पत्थर की लकीर हो जाती है, उसका कोई मानवीय मूल्य नहीं रह जाता है। इसी बात को इस कहानी के माध्यम से, जामुन के पेड़ के माध्यम से लेखक ने बताने की कोशिश की है। रात को चली आंधी में सचिवालय के पार्क में एक जामुन का पेड़ था, वो गिर गया। सुबह माली ने देखा कि उसके नीचे एक आदमी दबा पड़ा है। उसने यह सूचना तुरंत चपरासी को दी। इस तरह मिनटों में दबे आदमी के पास भीड़ इकट्ठी हो गई। क्लर्कों को रसीले जामुनों की याद आ रही थी। तभी माली ने आदमी के बारे में पूछा। उन्हें इस आदमी के जीवित होने में भी संदेह था। तभी वह दबा आदमी बोल पड़ा। माली ने पेड़ हटाने का सुझाव दिया, परंतु सुपरिटेंडेंट जो ऑफिस का था अपने ऊपर के अधिकारी से पूछने की बात कही। इस तरह बात डिप्टी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर तक के पास एक एक करके पहुंची। मंत्री ने चीफ सेक्रेटरी से कुछ कहा और उसी क्रम से बात नीचे तक पहुंची और फाइल इस तरह से चलती रही। दोपहर को काफी मात्रा में भीड़ इकट्ठी हो गई थी। कुछ मनचले क्लर्क सरकारी इजाजत के बिना पेड़ हटाना चाहते थे कि तभी सुपरिटेंडेंट फाइल लेकर भागा भागा आया और बोला कि यह काम कृषि विभाग का है और यह फाइल भेजी जा रही है कृषि विभाग में, तो पेड़ हटवाने की जिम्मेदारी कृषि विभाग की होगी। कृषि विभाग ने यह जिम्मेदारी व्यापार विभाग पर डाल दी। व्यापार विभाग ने अपना पल्ला झाड़ लिया। दूसरे दिन भी फाइल चलती रही। शाम को इस मामले को हॉर्टिकल्चर विभाग के पास भेजने का फैसला किया गया, क्योंकि यह पेड़ फलदार था इसलिए इसे हॉर्टिकल्चर विभाग के पास भेजने का फैसला किया गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी को दाल भात खिलाया, जबकि उसके चारों तरफ पुलिस का पहरा था। माली ने उसके परिवार के बारे में पूछा तो दबे हुए आदमी ने स्वयं को लावारिस बताया। तीसरे दिन हॉर्टिकल्चर विभाग से जवाब आया कि एक मनचले ने आदमी को काटने की बात की, इससे पेड़ तो बच जाएगा, लेकिन दबे हुए आदमी ने इस पर आपत्ति की कि ऐसे में तो वह मर जाएगा। आदमी काटने वाले ने अपना तर्क दिया कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी बहुत प्रोग्रेस कर चुकी है, उन्नति कर चुकी है, यदि आदमी
को बीच में से काट कर निकाल लिया जाए तो उसे फिर प्लास्टिक सर्जरी से जोड़ा जा सकता है। इस बात पर फाइल मेडिकल विभाग में भेज दी गई। वहां से रिपोर्ट आई कि सारी जांच पड़ताल करके पता चला कि प्लास्टिक सर्जरी तो हो सकती है किंतु आदमी मर जाएगा, अतः यह फैसला रद्द हो गया। रात को माली ने उस आदमी को बताया कि कल सभी सचिवों की बैठक होगी और वहां केस सुलझ सकने के आसार नजर आ रहे हैं। दबे हुए आदमी ने एक गालिब का शेर सुनाया। शेर क्या था ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यह सुनकर माली हैरान हो गया। आदमी ने शायर होने की बात सारे सचिवालय में फैल गई। फिर यह चर्चा शहर भर में फैल गई और तरह तरह के कवि और शायर वहां इकट्ठा होने लगे। वे सभी अपनी अपनी रचनाएं सुनाने लगे। कई क्लर्क उस आदमी से अपनी कविता पर आलोचना करने को मजबूर होने लगे। जब यह पता चला कि दबा हुआ व्यक्ति कवि है तो सब कमेटी ने यह मामला कल्चरल डिपार्टमेंट को सौंप दिया। साहित्य अकादमी के सचिव के पास फाइल पहुंची। सचिव उसी समय उस आदमी का इंटरव्यू लेने आया। दबे हुए आदमी ने बताया कि उसका उपनाम ओश है तथा कुछ दिन पहले उसका लिखा हुआ ओस के फूल गद्य संग्रह प्रकाशित हो चुका है। सचिव ने आश्चर्य जताया कि इतना बड़ा लेखक उसकी अकादमी का सदस्य नहीं है। आदमी ने कहा कि मुझे पेड़ के नीचे से निकालिए। सचिव ने उसे आश्वासन दिया कि तुम पेड़ के नीचे से जरूर तुम्हारा शरीर निकाला जाएगा और यह आश्वासन देकर चला गया। अगले दिन सचिव ने उसे साहित्य अकादमी का सदस्य चुने जाने की बधाई दी। आदमी ने उसे पेड़ से नीचे निकालने की प्रार्थना की तो उसने असमर्थता जताई कि यह उसके वश की बात नहीं है। उसने कहा कि यदि तुम मर गए तो तुम्हारी बीबी को वजीफा मैं दे सकता हूं लेकिन मैं तुम्हें पेड़ के नीचे से नहीं निकाल सकता। यह काम सिर्फ कल्चर से है, पेड़ काटने का काम आरी कुल्हाड़ी से होगा। वन विभाग को लिख दिया गया है। शाम को माली ने बताया कि कल वन विभाग वाले पेड़ काट देंगे और इससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, अर्थात तुम पेड़ के नीचे से निकल पाओगे। माली खुश था कि दबे हुए आदमी को निकाल लिया जाएगा, लेकिन आदमी का स्वास्थ्य अब जवाब दे रहा था। दूसरे दिन वन विभाग के लोग आरे कुल्हाड़ी लेकर आए तो विदेश विभाग ने उन्हें रोक दिया। यह पेड़ पोटानिया के प्रधानमंत्री ने सचिवालय में 10 साल पहले लगाया था। पेड़ काटने से दोनों राज्यों के बीच संबंध बिगड़ जाएंगे। दूसरे पोटानिया सरकार हमारे राज्य को बहुत सहायता देती रहती है तो दोनों देशों की खातिर एक आदमी का जीवन तो बलिदान किया ही जा सकता है। अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से सुबह वापस आ गए हैं। अब वे निर्णय देंगे कि क्या किया जाए। शाम के 5 बजे स्वयं सुपरिटेंडेंट कवि की फाइल लेकर आया और चिल्लाया कि प्रधानमंत्री सारी जिम्मेदारी स्वयं लेते हुए पेड़ काटने की अनुमति दे चुके हैं और कल यह पेड़ काट दिया जाएगा और तुम्हारी फाइल पूर्ण हो जाएगी। परंतु कवि का हाथ ठंडा पड़ गया था और उसके जीवन की फाइल भी पूरी हो चुकी थी, अर्थात उस कवि की मौत हो चुकी थी। तो इस तरह से यह जो जामुन का पेड़ है एक प्रतीक है। जामुन का पेड़ हमारी व्यवस्था के उस संवेदनशीलता की, जिसके तले दबकर एक आम इंसान अपनी जिंदगी को खो रहा है। शोषण के चक्र तले दबकर वो अपनी जिंदगी की खुशियों से वंचित हो रहा है। ये जामुन का पेड़ वास्तव में हमारे सरकारी विभागों में होने वाली
लाल फीताशाही, भ्रष्टाचार और तरह तरह के इनके जो है अमानवीय जो असंवेदनशील कृत्य हैं, उन सब का प्रतीक है कि जामुन का पेड़, जिसके तले हम आम इंसान दबकर कराह रहे हैं और हमारी कराह कोई सुनने वाला नहीं है, केवल फाइलों की बात चल रही है। और जब जिंदगी खत्म हो जाती है तभी यह फाइल पूर्ण होती है। तो इस तरह से लेखक ने हास्य व्यंग्य शैली में बड़े ही संवेदनशील तरीके से आम आदमी की उस कराह को व्यक्त किया है जो सरकारी फाइलों के नीचे दबकर दम तोड़ रही है।